हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स। सो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर को हम मक्स भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन हमेशा आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। सो स्टार्टिंग विद इट, सबसे पहले मल्टीप्लेक्सर होता क्या है? व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर? मक्स इज यूज्ड एज अ सिलेक्शन स्विच। ये सिलेक्शन स्विच की तरह हम मल्टीप्लेक्सर को यूज करते हैं, लाइक दिस। इसमें हमारे पास क्या होता है, दिस इज द मल्टीप्लेक्सर। मक्स से डिनोट करते हैं, ये हमारी क्या होती है, इनपुट लाइंस बोलते हैं हम इनको। इनपुट डाटा जो होगा हमारा इनपुट, ये हमारी होंगी सिलेक्ट लाइंस। और आउटपुट क्या देगा, ये एक आउटपुट देगा। सो हमारा मक्स को हम कैसे लिखते हैं, इन अ मक्स मल्टीप्लेक्सर में अगर हम देखें, देयर आर एन सिलेक्ट लाइंस। अगर एन सिलेक्ट लाइंस है मक्स के अंदर हमारी, तो जो हमारा इनपुट होगा, देन इनपुट इज 2^n। हमारा इनपुट क्या होगा, 2^n हमारी क्या होंगी, इनपुट लाइंस होंगी। और हमारा एक आउटपुट होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमें गिवन है एन सिलेक्ट लाइंस, फॉर एग्जांपल हमें गिवन है एन इज इक्वल्स टू टू। अगर हमें टू सिलेक्ट लाइंस गिवन है, तो जो हमारा इनपुट होगा मल्टीप्लेक्सर में, वो कितना होगा, 2^n। मीन्स 2^2 इज 4। मीन्स 4 हमारी क्या होंगी, इनपुट लाइंस होंगी, दो सिलेक्ट लाइन होंगी और एक हमारा क्या होगा, आउटपुट। नाउ कमिंग टू 4:1 मक्स की बात कर लेते हैं। 4:1 मक्स का मतलब ये है कि 4 इनपुट लाइंस हैं, 1 आउटपुट लाइन है, लाइक दिस। 4:1। सो अगर हमारी 4 इनपुट लाइंस होगी, तो हमारी सिलेक्ट लाइन कितनी होगी, 2 एन सिलेक्ट लाइंस। दीज आर द सिलेक्ट लाइन्स एस नॉट एस वन एन, दीज आर इनपुट, 4 इनपुट्स, आई नॉट, आई वन, आई टू एंड आई थ्री। दीज आर द इनपुट, दीज आर द सिलेक्ट लाइन्स एंड दिस इज आउटपुट। दिस इज 4:1 मार्क्स। इसको अगर हम टेबल, अगर हम इसकी डिनोट करें, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, दीज आर द एस नॉट एंड एस वन आर द सिलेक्ट लाइन्स, I नॉट, I वन, I टू एंड I थ्री आर द इनपुट्स एंड दिस इज द आउटपुट। सो जो हमारा S वन एंड S नॉट से शुरुआत करते हैं, S वन एंड S नॉट दो हैं, तो चार केसेस होंगे, जीरो, या तो 0-0 होगा, या 0-1 होगा, या 1-0 होगा, या फिर 1-1 होगा। तो उस टाइम जो हमारा आउटपुट क्या आएगा, अगर सिलेक्ट लाइन में S वन 0 है और S नॉट 0 है, तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, आई नॉट, आई नॉट इज सिलेक्टेड एज आउटपुट। इफ एस नॉट इज 0 एंड एस वन इज 0, सो जो हमारा आउटपुट क्या होगा, दैट इज आई नॉट। अगर हमारा 0-1 है, एस नॉट इज 1 एंड एस वन इज 0, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, आई वन। 1-0 पे क्या होगा, आई टू, एंड 1-1 पे क्या होगा, आई थ्री। अगर हम एस नॉट को 0 लेंगे, एस वन को भी 0 लेंगे, तो हमारा क्या सिलेक्ट होगा, आई नॉट सिलेक्ट होगा। आउटपुट में क्या जाएगा हमारा, आई नॉट। वैसे अगर हम 1-1 लेंगे, तो आउटपुट में क्या जाएगा, आई थ्री, लाइक दिस। ये हमारा प्रोसीजर होता है मल्टीप्लेक्सर का, सिलेक्शन का। सो जो हमारा मल्टीप्लेक्सर होता है मक्स, इज यूज्ड टू कन्वर्ट पैरेलल टू सीरियल। कन्वर्जन ऑफ डाटा, मक्स को हम किस लिए यूज़ करते हैं, कि हमारा पैरेलल से सीरियल कन्वर्जन हो जाए। पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन का क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको अभी जैसे समझाया था, ये हमारे पास 4:1 मक्स है, ये हमारी इनपुट लाइंस है, ऑल आर इन पैरेलल, लाइक दिस। कि ये हम चार इनपुट लाइंस गिवन है, सीरियली तो गिवन नहीं है ये, कि एक के बाद तो एक नहीं है, सारे ऐसे पैरेलली गिवन है, एंड दिस इज एस वन एंड एस वन एंड दिस इज आउटपुट। तो मक्स क्या करेगा,
मक्स का काम क्या है कि सिलेक्शन स्विच की तरह एक्ट करेगा। इट मीन्स ये एक टाइम पे एक ही आउटपुट देगा आपको। इट मीन्स क्या है, जो हमारा इनपुट तो अगर पैरेलल में है लेकिन आउटपुट हमारा क्या आएगा, सीरियल आएगा। इट मीन्स ये हमारा क्या करता है, पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन करता है मक्स, पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चंस, क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। यही हमारा बेसिकली मक्स की डिटेलिंग थी। नाउ स्टार्टिंग विद क्वेश्चन, दिस इज अ मल्टीप्लेक्स गिवन। ये सारे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आए हुए हैं। दिस इज इनपुट गिवन, दिस इज सेलेक्ट लाइन बी, दिस इज सी सी बार आउटपुट, दिस इज ई, 0 1 0 ए आउटपुट। नाउ हेयर वी हैव टू फाइंड द एफ, फाइंड एफ मीन्स हमें आउटपुट फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें मल्टीप्लेक्सर गिवन, दिस इज 2:1 मक्स, दो इनपुट है एक आउटपुट है, दो इनपुट है एक आउटपुट। तो हमारा क्या है ये 2:1 मक्स हमें गिवन है, 2:1 मार्क्स हमें गिवन है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एफ फाइंड आउट करना है। क्रॉस लिख लीजिए आज या फिर रेशियो में लिख लीजिए, आपकी मर्जी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद दिस, दिस इज द सेलेक्ट लाइन हेयर बी एंड हेयर सेलेक्ट लाइन इज ई। जो हमारा ये आउटपुट है ये सेकेंड की सेलेक्ट लाइन की सिलेक्ट कर रहा है। सो जो हम सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ई फाइंड आउट करेंगे। वट इज ई, सो ई इज बी बार इंटू सी, बी बार इंटू सी प्लस बी इंटू सी बार। सबसे पहले जो एल एस बी होगा वहाँ से शुरू करेंगे, जैसे आई नोट आई वन से शुरू करते हैं वैसे ही शुरू करेंगे। हेयर बी को मैंने पहले ज़ीरो लिया, 0 B bar 0 for B bar एंड इंटू सी आई नोट सेलेक्ट हुआ। अगर हम बी लेंगे तो क्या सिलेक्ट होगा, सी बार सिलेक्ट होगा। सो ये हमारा ई क्या हो गया, बी बार इंटू सी प्लस बी इंटू सी बार। नाउ वी हैव टू फाइंड एफ, अब हमें एफ फाइंड आउट करना है। एफ इज ई बार, दिस ई बार इंटू ज़ीरो प्लस ई इंटू ए। ज़ीरो इंटू एनीथिंग इज ज़ीरो, सो जो हमारा एफ क्या होगा, ई इंटू ए। एंड ई हमने अभी फाइंड आउट किया था, ई इज बी बार इंटू सी प्लस बी इंटू सी बार। सो जो हमारा एफ हो जाएगा दैट इज बी बार सी इंटू ए प्लस बी सी बार इंटू ए, दिस इज द आउटपुट। एक बार दोबारा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये हमें क्वेश्चन गिवन था 2:1 मार्क्स गिवन है दो, एंड वी हैव टू फाइंड द एफ, हमें एफ फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जब भी हमारी सिलेक्ट लाइन है, हमने इसको सिलेक्ट किया बी को, बी हमारी सिलेक्ट लाइन है। सो जब बी जीरो होगा तो क्या चूज करेगा, आई नोट, वही हमारा आउटपुट में आ जाएगा। आई नोट यहाँ पे क्या है, सी। सो बी बार इंटू सी प्लस, जब हमारा बी वन होगा तो सिलेक्ट क्या करेगा, सी बार को, प्लस बी इंटू सी बार, ये हमारा क्या हो गया, ई। बी बार इंटू सी प्लस बी इंटू सी बार। नाउ कमिंग टू दिस मक्स, इसकी सिलेक्ट लाइन क्या है, ई। ई हमने भी फाइंड आउट कर लिया था। सो ई इंटू ई बार इंटू ज़ीरो, ई बार इंटू ज़ीरो प्लस ई इंटू ए, ये हमारा क्या है, एफ है। ई की वैल्यू पुट कर दीजिए एंड दिस इज द आंसर। जो हमारा एफ है वो क्या होगा, बी बार सी इंटू ए प्लस बी सी बार इंटू ए। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, हेयर वी हैव टू फाइंड द एक्स, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हेयर दिस आर द सिलेक्ट लाइन्स ए बी, एंड जो ही हमारे आउटपुट है, ये एक सिलेक्ट लाइन है और ये सी एक सिलेक्ट लाइन है। ये हमारा 4 इनपुट्स है, 1 आउटपुट है, हमारा क्या है, 4:1 मार्क्स। दिस इज ऑल्सो 4:1 मार्क्स। नाउ स्टार्टिंग विद दिस, जब हम ए और बी को दोनों को जीरो लेंगे, मीन्स ए बार इंटू बी बार, उस टाइम हमारा क्या सिलेक्ट होगा, आई नोट। आई नोट इज ज़ीरो मल्टीप्लाइड विद ज़ीरो, प्लस जो हम ए को जीरो लेंगे बी को मान लेंगे, मीन्स ए बार इंटू बी, देन विच इज सिलेक्टेड, आई वन इज सिलेक्टेड, आई वन इज वन प्लस 1:0 पे क्या होगा, ए इंटू बी बार, 1 इज सिलेक्टेड, आई 3 सिलेक्टेड, आई 2 इज सिलेक्टेड, एंड देन बोथ, वैन ए एंड बी बोथ आर 1, देन 0 इज सिलेक्टेड। ये हमारा क्या है, लेट दिस इज एफ, इसको एफ ले लेते हैं, ये हमारा क्या है, एफ है। सो दिस इज 0 एंड दिस इज 0। सो जो हमारा एफ रहेगा दैट इज ए बार बी प्लस ए बी बार, जिसको हम ए एक्स और बी भी बोलते हैं।
ये हमारा क्या हो गया, एफ हो गया। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट 4:1 मार्क्स, जो ये हमारा 4:1 मार्क्स है, इसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स इज दिस एफ बार इंटू सी बार इंटू ज़ीरो प्लस एफ बार सी इंटू वन प्लस एफ सी बार इंटू वन आई टू प्लस एफ सी इंटू ज़ीरो दिस इज आई थ्री। सो दिस इज ज़ीरो एंड दिस इज ज़ीरो। हियर वी गेट जो हमारा एक्स है दैट इज एफ बार सी प्लस एफ सी बार, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्सोर सी। सो जो हमारा एक्स जो आउटपुट आया दैट इज एफ एक्सोर सी, और जो हमारा एफ है वो क्या है, ए एक्सोर बी। सो जो हमारा आउटपुट रहेगा दैट इज एफ की वैल्यू पुट कर दीजिए ए एक्सोर बी एक्सोर सी इज द आउटपुट। ये हमारा क्या हो गया, एक्स का आउटपुट हो गया। सिमिलरली जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था उसी के सिमिलर था ये क्वेश्चन भी। अगर हम ए को 0 0 लेंगे तो हमारा आई नोट सेलेक्ट होगा, ए को 1 1 0 लेंगे तो आई वन, 0 1 लेंगे तो आई वन सेलेक्ट होगा, 1 0 लेंगे तो आई टू एंड 1 1 लेंगे तो आई थ्री, सिमिलरली दिस केस में। और हमारा जो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, और जो हमारा एक्स है दैट इज ए एक्स और बी एक्स और सी। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा सर्किट गिवन था मक्स का, दिस इज 4:1 मक्स, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एफ फाइंड आउट करना है। और जो एफ में जो हमारे वेरिएबल्स है दैट इज ए बी सी एंड डी, 4 वेरिएबल फंक्शन है। सो स्टार्टिंग विद दिस, दीज आर द सेलेक्ट लाइन्स ए बी। सो जब मैं सिलेक्ट करूँगी ए बार इंटू बी बार मीन्स वेन बोथ आर ज़ीरो देन आई नोट इज सिलेक्टेड विच इज सी प्लस 0 1 ए बार बी आई वन इज सिलेक्टेड दैट इज डी प्लस 1 0 ए बी बार आई टू इज सिलेक्टेड विच इज दिस इज नॉट गेट, और ये हमारा सी है तो दिस इज सी बार, सी बार प्लस ए बी 1 1 इंटू दिस इज सी एंड दिस इज नॉट गेट मीन्स सी बार, दिस इज डी एंड दिस इज नॉट गेट मीन्स डी बार। नाउ वी गेट ए बार बी बार इंटू सी प्लस ए बार बी डी प्लस ए बी बार इंटू सी बार प्लस ए बी सी बार डी बार। अब हमें जो आंसर है वो ए बी सी डी 4 वेरिएबल में चाहिए। सो दिस इज 4 वेरिएबल, सो ए इज 1 बी इज 1 सी इज 0 एंड डी इज 0। ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी में 12 हो गया। और जो हमारे ये तीनों टर्म्स बचे जिसमें ए बार बी बार सी ए बी डी एंड ए बी बार सी बार, इसमें हमारे 3 3 वेरिएबल्स हैं। अब हमें इनको 4 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। नाउ यहाँ डी नहीं है हमारे पास तो यहाँ डी लिख लीजिए, यहाँ सी नहीं है यहाँ सी लिख लीजिए इन बिटवीन, और यहाँ डी लिख लीजिए, जो चीज़ मिसिंग है वो लिख लीजिए पहले। उसके बाद जो हमारा मिसिंग है उसकी दो ही पॉसिबिलिटीज होती हो सकती थी, या तो वो 0 होता या वो 1 होता, या तो डी 0 होता या डी 1 होता। ए इज़ 0 ऑलरेडी ए बार, बी इज़ 0 एंड सी इज़ 1। हेयर ए इज़ 0 0 बी इज़ 1 सी हमारा है तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, डी इज़ 1 1। ए इज़ 1 1 बी बार 0 0 सी बार 0 0 डी 0 या 1। सो जो हमारा बाइनरी बना दिस इज 2 दिस इज 3 दिस इज 5 दिस इज 7 दिस इज 8 दिस इज 9 एंड दिस इज 12। सो जो हमारा फंक्शन हो गया मीन्स जो हमारा एफ हो गया दैट इज समेशन ऑफ मीन टर्म्स 2 3 5 7 8 9 एंड 12। जो हमारा फंक्शन एफ हो गया दैट इज समेशन ऑफ 2 3 5 7 8 9 एंड 12। ये हमारा आंसर हो गया। इसमें क्वेश्चन में हमने ये देखा कि अगर 4 वेरिएबल में आपसे आंसर पूछा हो और आपका अगर आंसर 3 वेरिएबल में आ रहा है तो उसको आप 4 वेरिएबल में कन्वर्ट कर लीजिए। जो चीज़ मिसिंग है उसको एक बार 0 पुट कर दीजिए, एक बार 1 पुट कर दीजिए, और अगर बार है तो 0 ले लीजिए, अगर बार नहीं है तो 1 ले लीजिए, और फिर उसका बाइनरी सॉल्व कर लीजिए। सो दिस इज द फंक्शन एफ। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा 4:1 मार्क्स गिवन है, इसमें हमें एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दीज आर द इनपुट्स। सो स्टार्टिंग विद द सेलेक्ट लाइन्स,
पी बार इंटू क्यू बार, पी जीरो क्यू जीरो, तो हमारा आई नोड सेलेक्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो ये हमारा ये क्या है, ग्राउंड, ग्राउंड को हम क्या लेते हैं, जीरो। सो जीरो बार इज़ वन एंड वन बार इज़ ज़ीरो। सो जो हमारा आई नोट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो बार लगे हुए हैं। नाउ पी जीरो क्यू वन, पी बार क्यू इंटू आई वन। आई वन हमारा किससे कनेक्ट है, इससे, दिस इज़ ग्राउंड एंड ग्राउंड बार इज़ वन। सो जो हमारा आई नोट है दैट इज़ आई वन है दैट इज़ वन। नाउ पी क्यू बार, आई टू भी किससे कनेक्ट है, वन से कनेक्ट है, प्लस पी क्यू, और जो हमारा ये पी क्यू है ये आई थ्री आएगा यहाँ पे, और आई थ्री किससे कनेक्ट है, ज़ीरो से, ग्राउंड से। सो हेयर ज़ीरो, ये ग्राउंड है, ग्राउंड का बार वन, वन का बार ज़ीरो, लाइक दिस प्रोसीड। ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा एंड दिस ऑल्सो बिकम्स ज़ीरो। वी आर लेफ्ट विथ पी बार क्यू प्लस पी क्यू बार, जो हमारा क्या है, पी एक्स और क्यू। सो जो हमारा फंक्शन एफ है दैट इज़ पी एक्स और क्यू। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने मल्टीप्लेक्सर के क्वेश्चन डिस्कस किए। कल भी मल्टीप्लेक्सर ही डिस्कस किया जाएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।